Hey guys, welcome back to my another vlog. I hope कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे. तो अगर मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जरूर देख लेना. वो पिछला ब्लॉग का ये एपिसोड नंबर 2 होगा. तो अभी मैं बेंगलुरु में हूँ फिलहाल भैया का घर में. तो गाइस मैं अभी खाना पकाने वाला हूँ, आप लोग बस देखते रहे ना. तो मैं चिकन लाया हूँ बाजार से, वो जो लीवर होता है ना अंदर का वो लाया हूँ. तो उसके बाद खाना पकाऊंगा और आप लोग बस देखते रहना गाइस. ये देख सकते हो गाइस, मैंने चावल ले लिया. इसमें पहले मैं सफा कर रहा हूँ. अभी सबसे पहले सफा करना पड़ता है इसको, 2-3 बार पानी से अच्छे से धुलाना पड़ता है. गणधन मोजेरा रोसियमा. तो गाइस मैं निकल लिया हूँ अभी हॉस्टल की ओर. नहीं, भैया का घर से अभी जा रहा हूँ. 3 दिन भैया का घर में बैठा हूँ. तो मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्टल की ओर. यहाँ से मुझे फिर दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा. यहाँ से ये बस से सबसे मुझे पकड़ना पड़ेगा. ये जो बस है इसे पकड़ना पड़ेगा. तो यहाँ से मैं सीधा मेन सिटी जाऊँगा. उसके बाद फिर मेन सिटी से जो देवनली है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जाना पड़ेगा. तो गाइस फाइनली मैंने मेडिसिन का बस पकड़ लिया है. अभी मैं बस के ऊपर में हूँ. तो यहाँ से मुझे मेडिसिन जाना होगा जो मेन सिटी है. तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा सिनेमेटिक इन्जॉय कीजिए. मैं जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश करूँगा आपको. बस बने रहना आप लोग. फाइनली मैं पहुंच गया हॉस्टल में, जहाँ पे मैं रहता हूँ अपना घर में. अपना घर की तरह ही मैं मानता हूँ. सफर तो बहुत ही बढ़िया था. तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा लगा. ये यार मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरा पास कितना पैसा है देख सकते हो. 100 का नोट है, 10 का नोट है, ये 5 रुपया भी लेता हूँ. शायद काम में आवश्यक है. तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी दुकान से. मैं मुझे कुछ सामान खरीदना है था कि पेंसिल और ड्राइंग नोटबुक एक खरीदना था, क्योंकि ये है वगडिस तरह. अपना भाषा में कुछ बोल लीजिए. नमस्ते. कुछ बोलिए. नमस्ते. नमस्ते. लाइक शेयर सब्सक्राइब. नमस्ते. नमस्ते. बाय. ओके. तो गाइस आधा रास्ता में कुछ लोग तो मुझे देखते ही हंस रहा था. सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उतना नर्वस फील तो नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई लोग मुझे नहीं पहचानता यहाँ पे. A few moments later. ही गरार. ही गरार. गरार. मिले वो. हे मिले वो. मोई तरह होस्ता. मोई तरह होस्पंग. हे मिले वो. मोई तरह होस्पान. मोई तरह होस्पान. क्या बोला? गाइस मैं बहुत महीना हो रहा है पेंसिल से ड्राइंग और स्केच भी बना रहा हूँ. तो आज जाके मैंने दुकान से पेंसिल और नोटबुक लाया हूँ, ड्राइंग का नोटबुक. तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले मैं हमारे यूनिवर्सिटी का सेंचुलर सर का फोटो में स्केच बनाने की कोशिश करूँगा. देख सकते हो गाइस ये मैं बना रहा हूँ अभी. तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी तक मैं बना रहा हूँ. तो फाइनल रिजल्ट कैसे होता है देखते हैं गाइस. अभी सीटिंग करना बाकी है मुझे इसमें पेंसिल से, उसमें डार्क जो है ना शेडो देने का बाकी है.
अभी फिलहाल मैं कॉलेज का कैंपस के अंदर में हूँ भाई। क्या बताऊँ, इतना धूप दे रहा है यहाँ पे, देख सकते इतना जोर से धूप दे रहे भाई, क्या ही बोलूँ। और गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ये है प्लेग्राउंड, इसमें क्रिकेट फुटबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं। देख सकते हो नज़ारा देख सकते हो गाइस। यार गाइस क्या बताओ, इतना धूप दे रहा है पूरा, अगर तुम एक घंटा अगर ये धूप में खड़ा रहेगा तो तुम पूरा जल जाएगा। और अरुणाचल में सुबह को पूछा था उसका वेदर, पूरा ठंड के मारे वहाँ पे, और कभी कभी कुछ जगह में तो बर्फ गिर रहा है भाई, क्या बताऊँ। और कंबल पूरा ब्लैंकेट लेके वहाँ पे, और यहाँ पे इतना धूप दे रहा है, देख सकते हो आप लोग। यह है प्लेग्राउंड, यहाँ का और नोटिस है ना, वहाँ का वेदर काफ़ी अलग है कि यहाँ पे हमारे वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू सीजन के अनुसार जो है ना वो गर्म या ठंडा होता है, या तो गर्म होगा या तो बहुत ठंडा होगा। लेकिन यहाँ में क्या होता है ना कि गर्म दिन में भी उतना गर्म नहीं होता है और ठंडा दिन में भी उतना ठंडा नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल का जैसा, उतना गर्म भी नहीं उतना ठंडा भी नहीं, वेदर काफ़ी मतलब नॉर्मल सा रहे। वहाँ का वेदर और यहाँ का वेदर अलग है ना, इसकी वजह से मेरा पूरा सर्दी लग जाता है, कभी कभी सर्दी लग जाता है कि इतना 7-8-10 दिन तक रहता है सर्दी, पूरा खांसी क्या क्या यार गाइस। और बीच में तो मैं बीमार हो गया था। तो गाइस वीडियो को जस्ट अभी एडिट कर रहा हूँ, तो वीडियो को कैसा लगा, बोरिंग लगा ना? नहीं तो बोरिंग लगा तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो क्या करना करना गाइस, बस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू।